नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम क्या है कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी किसी ट्राइंगल के यदि उसके तीनों एंगल का जो सम होता है वह कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यही हमें प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यह एक हमारा ट्राइंगल है, सपोज यह ट्राइंगल ए बी सी है, तो इसके तीनों ही एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जो सम होगा वह कितना होगा, हमेशा हमेशा 180 डिग्री होगा। तो आइए, गिवन क्या है, ए बी सी इज ए ट्राई एंगल, ए बी सी क्या है, एक ट्राई एंगल है, और इसमें हम इसके एंगल को क्या करते हैं, एक नाम ले लेते हैं एंगल वन, इसे करते हैं एंगल टू और इसे करते हैं एंगल थ्री। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री, यही हमें प्रूव करते हैं। आइए इसमें एक कंस्ट्रक्शन देखना है, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, इसके वर्टेक्स से या पॉइंट ए से होता हुआ एक लाइन ड्रा करते हैं जो कि साइड बी सी के पैरेलल है। इसमें कंडीशन क्या है, ए से पास होना चाहिए उस लाइन को और लाइन को क्या होना चाहिए, बी सी के साथ पैरेलल होना चाहिए, यानी ऐसे लाइन ड्रा करना है दो कंडीशन के साथ। पहला कंडीशन, वर्टेक्स ए या पॉइंट ए से पास होना चाहिए, और दूसरी चीज जो इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड है, दैट इज इस फिगर के लिए क्या है, बी सी है, उसके क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो यह लाइन जो हमने ड्रा किया, मान लीजिए यह डी ई एक हमने लाइन ड्रा किया जो कि बी सी के पैरेलल है और पॉइंट ए से पास हो रहा है। तो लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, थ्रू ए, यानी ए से जाता हुआ, थ्रू ए ड्रा ए लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी, हमने बी सी के पैरेलल इसे ड्रा कर लिया। अब इसे ड्रा कर लिया तो देखिए यहां एक और एंगल बन रहा है, हमें इस एंगल को डिनोट करते हैं, इसे हम मान लेते हैं एंगल फोर, और इस साइड भी एक एंगल बन रहा है, इसे डिनोट करते हैं एंगल फाइव। तो आइए अब प्रूफ में चलते हैं। देखिए प्रूफ में क्या है, देखिए सेंस डी ई लाइन और बी सी लाइन क्या है, पैरेलल है, सिंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी, एंड मान लीजिए कि ए बी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ए बी क्या है, ए बी इज ए ट्रांसवर्सल मींस त्रियक छेदी रेखा है, यानी इससे को अब केवल हम इस दो लाइन को देखते हैं। तो देखिए यहां पर यह लाइन आपको दिख रहा है डी ई और यह पॉइंट ए है, और यह जो है हमारा पॉइंट बी है और यह सी है, इस तरह से। अभी एक लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इस ए बी लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए अब यह दो पैरेलल लाइन मिल गया डी ई और बी सी, और उस पैरेलल लाइन को लाइन ए बी एक जो है
ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहे, तो यह अल्टरनेट एंगल, एक यह जो एंगल बना अल्टरनेट एंगल होगा और यह जो एंगल होगा यह दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। और हम जानते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। और यह एंगल फिगर में कौन सा है, 4, और यह एंगल डायग्राम के अनुसार क्या है, 2, यानी एंगल 4 और एंगल 2 या एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा। और क्यों इक्वल होगा, क्योंकि वह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आइए यहां लिखते हैं इसको, इसलिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यह क्यों है, क्योंकि यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब इस डायग्राम को यहां से रिमूव कर देते हैं। इसी तरह से क्या है, DE पैरेलल टू BC, DE लाइन और BC लाइन। अब एक ट्रांसवर्सल लाइन AC भी हो सकता है, और मानते हैं कि अब जो है एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल, AC जो है ट्रांसवर्सल है। तो उसी तरह से जब यह आगे की ओर कंटिन्यू होगा तो यह ट्रांसवर्सल, तो एंगल 5 और एंगल 3 क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, और अल्टरनेट एंगल होने के कारण क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। और क्या है, यह इक्वल है, क्योंकि यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए है। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब इसको ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड की तरफ करेंगे, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन में दोनों तरफ एंगल 1 को ऐड करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, एंगल 1 को ऐड करते हैं, एडिंग एंगल 1 ऑन बोथ साइड्स। क्योंकि किसी भी इक्वेशन में अगर दोनों साइड एक ही चीज को जोड़ा या घटाया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए, अब क्या हो गया, एंगल 1 जो बाहर से ऐड किए प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब आइए देखिए, एंगल 1 4 5, एंगल 1 4 5, एंगल 1 4 और 5, यह तीनों एंगल मिलकर क्या बना रहा है, एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है या लीनियर एंगल बना रहा है, यानी इक्वल टू स्ट्रेट एंगल या लीनियर एंगल कहते हैं, लीनियर एंगल। और हम जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। और इधर क्या आ गया है, इसलिए अब देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। अब इसमें कुछ सावधानी रखना है इस थ्योरम को आगे कंटिन्यू करने में, तो देखिए क्या सावधानी रखना है आपको, ध्यान दीजिए। ये तो क्या होता है, एग्जाम हॉल में गलती होने की संभावना होती है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए जब इक्वेशन नंबर 1 में आप लिख रहे हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल को इक्वल कर रहे हैं, तो ध्यान दें, अगर पहले इक्वेशन में लेफ्ट साइड में ट्राइंगल के एंगल को लिए हैं, जैसे 2 ट्राइंगल के एंगल है, तब एंगल 2 इक्वल टू
फोर लिए हैं। तो यहां देखिए यह जो एंगल किसका है, ट्रायंगल वाले एंगल है, और यह जो है ऊपर वाला एंगल है, ठीक है। यह इक्वेशन फर्स्ट है। तो दूसरे इक्वेशन में भी आपको वही रखना है कि एंगल लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में अगर पहले हम किसको लिए हैं, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल को, तो लेफ्ट साइड में भी एंगल तीन को लेना है। दूसरे साइड से ट्रायंगल के नीचे का एंगल तीन लेंगे, थ्री इक्वल टू फाइव करेंगे, तब क्या होगा, ऐड करेंगे तो यह चीज आपका सीक्वेंस बनेगा वन टू थ्री। यदि यह एंगल इस तरह से ना लेकर आप ऐसे ले लें, अब इसको हम ना लिया यहां पे, और हमने क्या ले लिया, तीन और पांच को इस तरह से लिख लिया, एंगल फाइव इक्वल टू एंगल थ्री। हालांकि इक्वेशन के अनुसार बिल्कुल सही है, दोनों ही एंगल क्या है, इक्वल है, लेकिन लिखने में क्या हुआ, सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। अब जब सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, अब इस इक्वेशन वन यह हो गया फाइनली और यह टू हो गया, वन और टू को जब आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, वन और टू को ऐड करेंगे तो एंगल टू प्लस एंगल फाइव इक्वल टू एंगल फोर प्लस एंगल थ्री, और इसमें जब दोनों तरफ एंगल वन को ऐड करेंगे तो एंगल वन यहां ऐड होगा और एंगल वन यहां ऐड होगा। तो अब देखिए किसी तरफ में भी आपको एक कंप्लीट स्ट्रेट एंगल नहीं मिलता है। देखिए यहां क्या है, चार तीन एक, चार एंगल यहां तक है और तीन यहां आ जाता है और एक यहां आ जाता है। यह कंप्लीट सर्कल नहीं बना पाया, सेमी सर्कल, या ए साइड भी नहीं बना पाएगा। देखिए एंगल वन ठीक है, और एंगल टू यहां जंप कर गया और एंगल फाइव फिर यहां चला गया, यानी यह पोर्शन ब्लैंक रह गया। तो इस तरह से यहां पर आपको फिर क्या होगा, एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन पैदा होगा और उसमें आप गलत कर देंगे या फिर क्वेश्चन को स्किप कर जाएंगे। तो यह ध्यान रखना है कि जब दोनों इक्वेशन लिख रहे हो तो अगर पहले इक्वेशन में लेफ्ट साइड में यदि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल को लिए हैं तो दूसरे इक्वेशन में भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल को ही लेफ्ट साइड में रखें। इस सीक्वेंस को ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से निकल देगा। और यदि इस झंझट में आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसके दूसरे मेथड को देखिए जिसमें इस तरह का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तब आते हैं इसका सेकंड मेथड, आइए इसके सेकंड मेथड में देखते हैं। तो इसका थ्योरम सेम रह जाएगा, गिवन स्टेटमेंट सेम रहेगा, टू प्रूफ सेम रहेगा, कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा, केवल प्रूफ का मेथड चेंज होगा। तो आइए प्रूफ के मेथड को हमने इरेज कर लिया है, अब इसे देखते हैं। इसमें क्या है, चूंकि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, लाइन DE को ड्रा किया था जो BC के पैरेलल था और पॉइंट A से होकर गुजर रहा था। तो देखिए सिंस DE इज ए स्ट्रेट लाइन, DE क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और हम जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर कितनों भी रे आकर मिले तो उससे जितने भी एंगल बनेंगे सभी एंगल का ऐड क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और यह क्यों होगा, क्योंकि यह सभी के सभी स्ट्रेट एंगल्स हैं या लीनियर एंगल्स हैं, लीनियर एंगल्स हैं। अब इसे एक मान, अब चलते हैं एंड डीई इज पैरेलल टू बीसी एंड एबी इज ए ट्रांसवर्सल। अब क्या है, DE और BC पैरेलल है और उसका ट्रांसवर्सल BC है जैसा कि पहले देखे थे। तो आप लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। और यह क्यों है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इसी तरह से
सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, एंगल अगर यह और यह पैरेलल है और एसी ट्रांसवर्सल हो तो हम लिख सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3। और यह भी क्या है, हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब क्या करते हैं, एंगल 2 और एंगल 3 के वैल्यू को एंगल 1 में पुट कर देते हैं, यानी 4 के स्थान पर हम 2 लिख देंगे और एंगल 5 के स्थान पर एंगल 3 को पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 5 ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन थर्ड में जो 4 और 5 का वैल्यू है उसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 4 के वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 1, और 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और इसे अरेंज कर दें तो लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हमें प्रूव्ड करना था, जो आसानी से हो गया, और इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है।